चोरो बच के कोतवाली थाना और पढ़ाकुओ बच के यहाँ बहुत भूख है, तुम्हारा दिमाग हैंग कर जाएगा तुम लोगों का। ये अपर बाजार की भीड़ कब खत्म होगी? भीड़ तो खत्म ही नहीं हो रही यहाँ की। जयपाल सिंह स्टेडियम में तो पार्क बन चुका है यहाँ, चलो दिख नहीं रहा, चलो आज वहीं चलते हैं। ए व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आयो अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं आ डेली लाइफ में जयपाल सिंह स्टेडियम में। तो यहाँ देखते हैं कैसा कैसा यहाँ क्या क्या होता है। यहाँ सुबह जॉगिंग के टाइम भी आ सकते हैं, बहुत ही मस्त नज़ारा, जॉगिंग के लिए बहुत ही बेस्ट जगह, बेस्ट प्लेस है रांची मेन टाउन में, जो कि कचहरी जाने वाले रास्ते में पड़ता है। यहाँ ओपन जिम भी खुला हुआ है, वो उस साइड है, चलेंगे अभी उधर भी। और ये ग्राउंड भी बहुत ही बड़ा है, और चलते हैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाते हैं। चलो भाई, आज धूप तापने आ गए, ठंड इतनी बढ़ चुकी है तो थोड़ा धूप तापने। अरे ये पार्क का नाम भी नहीं जान रही है, तो पहले जयपाल सिंह स्टेडियम रहा करता था। केला का पेड़, फुटबॉल स्टेडियम। गुड मॉर्निंग, रनिंग के लिए है वो। देख लो, हमारे साथ है राजा द कैमरामैन। अरे इतना फिटिंग जींस क्यों पहन के आया? बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूर्ख। सबसे बेस्ट मैं बोलूं तो गाइस, सबसे अच्छा यहाँ पतंग उड़ाने का जगह। देखिए देखिए कहाँ बैठ के पतंग। रुको जरा, सबर करो। देखिए कहाँ बैठ के पतंग उड़ा रहा, पतंग पतंग पतंग, ये रहा देखिए। यहाँ से यहाँ देखिए, सबसे बेस्ट प्लेस पतंग उड़ाने का, ऐसा प्लेस कहीं नहीं मिलेगा आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं और वीडियोस वगैरह बनाते हैं। देखिए गाइस, मैं तो गलत टाइम पे आया हूँ, अभी कोई तो जिम करता नहीं है फिलहाल, यही ओपन जिम। ये रहा रांची की खूबसूरती, रांची का खूबसूरत सा ग्राउंड। चलिए देखते हैं, एक पार्लर करते हैं, होता है कि नहीं मेरे को। गलत टाइम पे भी जिम करके देखते, गलत टाइम पे वही मैं जिम कर। चेस्ट में, चेस्ट में, चेस्ट बनेगा इससे। तो ओपन जिम वालों के लिए बहुत फायदेमंद चीज मिल गई है, फ्री का जिम लेके यहाँ आके कर सकते हैं। चेस्ट ऐसे भी चेस्ट डिप्स मार रहे थे 75 डे चैलेंज में, हाँ ऐसे भी चेस्ट में अभी थोड़ा आज छोड़ के कर लेगा, एक बार तुम भी करके देख। चलिए इन्हें भी जान लीजिए जिनके नाम से स्टेडियम बनी है। देखिए 1903 से 1970 तक रहे थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा, उन्हीं का स्टैचू है। और भी बहुत सारे लोगों का स्टैचू शायद हो, लेकिन क्या है ये भी देखते हैं। अच्छा ये स्टैचू बस नॉर्मल है, ये किसी का नाम नहीं दिया गया इसमें, बस नॉर्मल किसी खिलाड़ी का है। और सारे कोई यहाँ, बहुत सारे कोई शाम के टाइम आए हुए हैं।
और रांची वासी बहुत कोए यहाँ टाइम स्पेंड करने आए हैं शाम के वक्त, जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है, ये भी देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा है। चलिए और कुछ भी देखते हैं। ये कचहरी वाला रोड आप तो पहचानते ही होंगे, यहाँ भी एक गेट है कचहरी जाने वाली रोड से भी आप इंटर कर सकते हैं। तो गाइस आज हम लोगों को कुछ नहीं मिला कहीं जाने को, तो मैं आज यहीं जयपाल सिंह स्टेडियम आ गया, यहाँ भी कुछ देखने आ गया करने आ गया, और यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया मैंने। और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए सारा झूला वगैरह लगा हुआ है। सबका पिक्चर बना दिया गया हॉकी खिलाड़ियों का। तो गाइस यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए ब्लॉग बना लिया, मतलब कि ये पार्क बना तभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर वहाँ पास एक पुराना सा बिल्डिंग था बहुत ही बड़ा, और सारा ग्राउंड था नॉर्मल, ग्रास वगैरह नहीं था इसमें, एकदम बंजर, जैसे कि बोला जाए एकदम बंजर ज़मीन था। यहाँ सब क्रिकेट प्रैक्टिस करने आते, हॉकी प्रैक्टिस करने आते थे, कराटे प्रैक्टिस करने आते थे, तो वो सारा बंद हो चुका, फिर ये काम स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ कुछ सालों में यहाँ बना, तब यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया। ये देखिए बच्चों लोग का, ये हुआ गोल। नहीं हुआ गोल। तो बहुत सारे यहाँ नज़ारे हैं, आइए आप शाम के टाइम यहाँ टाइम स्पेंड करिए, बहुत ही सारी चीज़ें हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। मॉर्निंग में आइए, इवनिंग में आइए, अपने आप को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सुबह सुबह ग्राउंड जाना और शाम सुबह या शाम ग्राउंड जाना या जिम जाना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, या कोई भी गेम खेलना जो फिजिकली हो, जो बॉडी को हरकत करता हो, बॉडी हरकत करता हो, ऐसा कोई गेम खेलना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग भी हर जगह कोई सभी ग्राउंड आइए, जिम जाइए, अपने आप को फिट रखिए, मॉर्निंग में आइए, इवनिंग में आइए। ये ग्राउंड भी आ सकते हैं, ये ग्राउंड का खूबसूरती है तो आप लोग देख ही चुके। देखिए बास्केटबॉल वालों के लिए बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। तो गाइस अब ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ये वाला ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।